101, 101. मैं आपको फाइव वर्ड्स दूंगा फ्रॉम इंग्लिश टू स्पेनिश मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ये सारे लेसन्स uh, तो इंडियंस के लिए और एशियंस के लिए ये काफी इजी रहेगा uh, एवरी मंडे में आपको फाइव स्पेनिश वर्ड्स दूंगा आप, आपको वो नोट डाउन कर लेने हैं मोबाइल के अंदर या नोट के अंदर इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस में सबसे बड़ी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत आती है कि हम उसको सीखेंगे कैसे क्योंकि हम अकेले हैं आपके परिवार में फ्रेंड्स कोई आपके साथ ये प्रैक्टिस करने में रेडी नहीं होता है तो आपको अकेले इसको कैसे स्पेनिश uh, बोलना सीखना है तो आई विल बी लेटिंग यू नो हाउ टू डू दैट एंड वट आर द फ्यूचर स्कोप्स फॉर दैट फ्यूचर स्कोप्स क्या है स्पेनिश सीखने के आप कहेंगे भाई मेरी तो इंग्लिश ही नहीं ठीक से बोली जा रही है इंग्लिश ही ठीक से मुझे इंटरमीडिएट या नॉर्मल आती है एडवांस इंग्लिश नहीं आती है तो मैं सीख पाऊंगा या नहीं तो आप बिल्कुल सीख पाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके मेन फ्यूचर स्कोप है कि आप लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट लैंग्वेज एक्सपर्ट या फ्रीलैंसर के तौर पे कई सारी इंटरनेट साइट्स के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा इनकम एस्टेब्लिश कर सकते हो अगर आप इसमें एडवांस लेवल में चले गए तो आपको कंपनीज में जॉब भी मिल सकती है और आपको फ्यूचर ट्रैवल या वो सब भी पॉसिबल है मैं गारंटी वो चीज़ की नहीं देता हूँ हालांकि मैं आपको हेल्प करूँगा कि आ, अगर आपको ठीक से स्पेनिश आप फुल कोर्स इसको फॉलो करते हो तो आपको कौन सी साइट्स और कहाँ कहाँ से आप जॉब्स या स्पेनिश रिलेटेड लिंग्विस्टिक अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हो इसके साथ में आपको अकेले कैसे स्पेनिश को प्रैक्टिस करना है वो भी बताऊंगा बस आपको एवरी मंडे फाइव वर्ड्स नोट डाउन करते रहने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी याद रखना है तो लेट्स स्टार्ट स्पेनिश इज इजियर देन फ्रेंच एंड जापनीज मैंने फ्रेंच और जापानीज के भी कोर्स यूट्यूब पे और काफी इंटरनेट की साइट से बिगिनर लेवल के देखे हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा बीइंग एन इंडियन और स्पेनिश बोलना इंडियंस के लिए काफ़ी इजी रहता है और अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा स्पेनिश में सब कुछ मेल और फीमेल के तौर पर डिवाइड कर दिया है फिर वो एक ऑब्जेक्ट हो कोई चीज हो या लिविंग थिंग हो एक एग्जाम्पल ले तो एप्पल को बोलते हैं मंजाना ला मंजाना मतलब कि फीमेल किसी भी वर्ड के आगे ला लगा है तो उसका मतलब होता है फीमेल और किसी भी वर्ड के आगे एल लगा है ई एल तो उसको मेल के तौर पे गिना जाएगा जैसे कि एल बैंको मतलब कि द बैंक उसे मेल कहेंगे अगर एक छोटे बच्चे को बोलना है द बॉय तो उसे कहेंगे एल नीनियो एन आई एन ओ एल नीनियो और अगर कोई लड़की को बोलना है द गर्ल तो कहेंगे ला नीनिया एक और एग्जांपल लेते हैं मेल को कहेंगे एल फीमेल को कहेंगे एला ला ही को कहेंगे उन शी को कहेंगे, उना। यू आर को कहेंगे एरेस एपल को कहेंगे मंजाना एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं और इस बार आप मेरे साथ साथ बोलिए तो आपको उसके प्रोनाउंसिएशन से आप फेमिलियर होंगे बैंक को कहेंगे बांको रिपीट आफ्टर मी बांको हर एक वर्ड को मैं बोलू तो आपको रिपीट करना है इससे आपके प्रोनाउंसिएशन और माइंड में अनकॉन्शियसली वर्ड्स फीड होंगे बैंक बांजाना एप्पल मंजाना एप्पल मंजाना गुड बॉय नीनो बॉय नीनो गर्ल नीनिया बॉय नीनियो गर्ल नीनिया मेल yes. एल फीमेल एला या ला डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस यू यूज होगा एला या ला ही को कहेंगे उन, शी को कहेंगे ऊना ऊना यू आर को कहेंगे एरेस एरेस यस रिपीट एप्पल को कहेंगे मंजाना, मन जाना तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा प्लीज अगर आपको इसमें कंटिन्यू करना है और ऐसे और भी स्पेनिश भी के वर्ड्स हिंदी में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सीखने हैं तो आपको एवरी डे फाइव मिनट्स निकालने हैं पाँच मिनट में आप क्या कर लोगे पूरे दिन में पूरे दिन में चौबीस घंटे होते हैं तो चौबीस घंटे में से आपको सिर्फ पांच मिनट देने हैं वो भी हफ्ते में एक बार ओनली मंडेज तो आप स्पेनिश लैंग्वेज सीख सकते हो और जरूर सीख सकते हो ये मेरी गारंटी है आपको सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा सपोर्ट एंड मोटिवेशन मिल जाता है ना करना है तो मत कीजिए बट इट इज जस्ट फॉर मोटिवेशन एंड प्लीज आपको हर एक सेशन एवरी मंडे मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आपको एवरी मंडे स्पेनिश के फाइव वर्ड्स और उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को सुनने के लिए आपको ये वीडियो देखना है से ओले चैनल का नाम है से ओले आपको एवरी मंडे आना है और स्पेनिश लैंग्वेज सीखना है इसका टेंटेटिव ड्यूरेशन तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता बट ऑन एन एवरेज मैं सिक्स मंथ्स आपको आ, बोल रहा हूँ सिक्स मंथ्स एवरी मंडे आपको स्पेनिश लैंग्वेज आ जाएगी एंड आप एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट के तौर पे एक इंटरमीडिएट लेवल के तौर पे आप आगे जा सकते हो और एक लैंग्वेज इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज सो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू कीप वाचिंग थैंक यू